कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है, गैल्वेनोमीटर की ये प्रॉब्लम है कि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा करंट मेजर करता है, 5 mA, 2 mA, मुझे करना है 3 A। तो गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम है कि उसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस। तो जैसे ही बड़ा करंट उसमें पास करेगा उसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा और वो उसको मेजर, वैसे तो मेजर वैसे भी नहीं कर पाएगा, कितने डिफ्लेक्शन कर लेगा, 3 A में तो खूब डिफ्लेक्शन हो जाएगी या वो हीटिंग इफेक्ट से ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े करंट्स को मेजर नहीं कर पाता गैल्वेनोमीटर, तो इसके लिए हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ता है और क्या बनाना पड़ता है, एक और मीटर जिसका नाम है एम मीटर। तो एम मीटर बड़े करंट्स को मेजर कर पाता है, पर एम मीटर बना कैसे, ये बना गैल्वेनोमीटर से। तो कैसे बनता है एम मीटर के लिए, एम मीटर बनाने के लिए आप एक काम करें, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर कम करंट मेजर करता है, सबको पता है। तो अगर मेरे को इसमें से आई करंट मेजर करना है जो कि बड़ा है, तो मैं सीधा आई करंट इसमें से पास नहीं करूंगा। ये कहता है गैल्वेनोमीटर कि मैं ज्यादा से ज्यादा आईजी मेजर कर सकता हूं, मेरी जो रेंज है वो आईजी, आईजी का मतलब मेरी मैक्सिमम जो नीडल है वो आईजी पे जाके रुक जाएगी। तो इसकी जो रीडिंग कैपेसिटी है आईजी है, वो कहते हैं मैं आईजी मेजर कर दूंगा, आई नहीं कर सकता। तो हमने डिसाइड किया इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत लो रेजिस्टेंस, बहुत छोटी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, जिसको एस का नाम देते हैं। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो होती है और पैरेलल में लगी होती है उसका नाम होता है शंट। तो इसका नाम है शंट। तो आज की बात ये नहीं है कि लो रेजिस्टेंस, सीधा बोले शंट लगा दो। तो शंट लगाने का मतलब है एक लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दो। तो इस शंट की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी लो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, आई करंट आ रहा था जिसको मेजर करना है, आई करंट ने देखा कि इसकी रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादातर करंट नीचे से पास हो गया। तो इसमें कितना करंट पास हुआ, इसमें करंट पास हुआ जितना ये मेजर कर सकता था आईजी, बाकी सारे का सारा करंट यहां से निकल गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो आईजी इंटू जी इसकी वोल्टेज है, नीचे वोल्टेज कितनी है, आई माइनस आईजी इंटू एस। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आप एक चीज देखो, आईजी की वैल्यू गैल्वेनोमीटर सॉल्व कर देगा आपकी, जी रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर हमें पता है, IG पता है, शंट हमने लगाई हमें पता है। तो यहां से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट आई, और इसको बॉक्स में रख देना, इस बॉक्स का नाम क्या बना देंगे, एमीटर, ताकि लोगों को पता लगे कि हमने गैल्वेनोमीटर से बनाया है। ठीक, तो बेसिकली कुछ नहीं किया इसके अंदर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एमीटर में, एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, एमीटर में लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, यूज टू मेजर करंट इन द सर्किट, बड़े करंट मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखना होता है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ये डायग्राम बनाना होता है जिसमें आप ये जी लेंगे, शंट लेंगे, आई करंट आएगा, आईजी और आई माइनस आईजी, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो जी इंटू आईजी इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आईजी। तो क्वेश्चन आ सकता है फाइंड शंट, बहुत क्वेश्चन है शंट के ऊपर, तो ये शंट इज इक्वल टू आंसर, फॉर्मूला याद करना है फॉर्मूला कर लो, ये याद करना है ये कर लो। तो शंट आ गया, फिर वो पूछेगा पूरे एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, पूरे एमीटर में एक रेजिस्टेंस एस है एक जी है, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, जी इंटू एस बाय जी प्लस एस। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?